भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने होली के दिन पार्टी के 182 लोकसभा कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए हैं। ये सभी उम्मीदवार देश के करीब 20 राज्यों के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के कैंडिडेट्स हैं। हालांकि इनमें बिहार के लोकसभा कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। पार्टी द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि बिहार के 17 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए गए हैं और इन्हें राज्य चुनाव समिति को भेज दिया गया है। बीजेपी के कैंडिडेट्स की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार के कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट एनडीए के स्थानीय सहयोगियों के साथ पटना में किया जाएगा। जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि बीजेपी ने बिहार के गठबंधन में मिली सभी 17 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए हैं, जिनकी लिस्ट राज्य इकाई को भेज दी गई है। बिहार की सारी 17 सीट्स को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने क्लियर कर दिया है। ऑल 17 सीट्स ऑफ बिहार हैव बीन क्लियर्ड बाय सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। वी हैव सेंट दैट नेम टू स्टेट इलेक्शन कमेटी एंड द एनडीए As a group will release the Bihar 17 seats of Bharatiya Janata Party. जानकारी के अनुसार बिहार में बीजेपी की राज्य चुनाव समिति की बैठक 11 मार्च को हुई थी। इसमें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने प्रदेश संगठन मंत्री नागेंद्र जी के साथ मीटिंग कर नाम फाइनल कर लिए थे, जिन्हें केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया था। इसी दौरान नित्यानंद राय ने कहा था कि सहयोगी जेडीयू और एलजेपी के सभी उम्मीदवारों की सूची लगभग तय हो गई है। ये दोनों सहयोगी पार्टियां भी जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगी। चुनाव समिति उसका निर्णय करेगी। उस विषय में मैं कुछ बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं। मैं उस विषय में कोई भी चर्चा नहीं कर सकता। मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। बिहार एनडीए अपने कैंडिडेट्स का ऐलान आज पटना में कर सकता है। इससे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा 24 मार्च से पहले कर दी जाएगी। मालूम हो कि बिहार एनडीए ने बीते रविवार 17 मार्च को पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग की घोषणा की थी। इसके अनुसार जेडीयू और बीजेपी को 17-17 जबकि एलजेपी को 6 सीटें मिली हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में जेडीयू एलजेपी से गठबंधन के बाद मिली और अपने कोटे की 17 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। मौजूदा सभी सांसदों को टिकट दिया जा सकता है। केवल मधुबनी से सांसद हुकुमदेव नारायण यादव की जगह उनके बेटे अशोक यादव को टिकट दिया जा सकता है। नवादा सीट एलजेपी के खाते में जाने से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बेगूसराय भेजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।